प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं, जहां मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मछुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम में मछुआ कृषकों का सम्मान किया। इससे पहले उन्होंने मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मछुआ कृषक परंपरागत मछली पालन के साथ उन्नत एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग कर मछलियों की ऐसी किस्मों का उत्पादन करें जिससे उनको अधिक आय हो सके। इसके लिए झींगा मछली पालन कर मछुआ कृषक अपनी आमदनी में 4 गुना इजाफा कर सकेंगे। इसके लिए मछली पालन विभाग द्वारा हर संभव सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। गृह एवं जेल मंत्री ने इस दौरान आम का पौधा भी रोपित किया। बात हम लोग बताएं, हाँ ऐसा है कि नहीं? अब बताओ झींगा अपने आप कौन कौन करते हाथ था? क्यों नहीं करते? मैं इसीलिए तो माइक लिया। उतने ही तालाब में हम अपनी आय को दोगुना तक कर सकते हैं, दोगुना नहीं चौगुना तक। लेकिन अपनी आदत ऐसी हो गई है, जैसे मैं खेती के बारे में कहता हूँ, मेरे पिताजी धान करते थे तो मैं भी धान कर रहा हूँ, वो गेहूं करते थे तो मैं भी गेहूं कर रहा हूँ। और एक निकम्मे टाइप की जैसी कुछ लोगों की आदत हो जाती है, आप सब तो उनमें से नहीं होते, पर उस टाइप की आदत ना होता है। हमें उन्नत तकनीक का सहारा लेना चाहिए और इसमें जो नई वेराइटी आ गई उन वेराइटियों को भी पैदा करना चाहिए। जैसे झींगा है, बहुत महंगी जाति का, जब कतला रेहू पर ही अड़े हुए हो, झींगा पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? जब झींगा झींगा पे हम जाए, कतला रेहू है बनी रहे, मैं उसकी नहीं कह रहा कि उत्तर नहीं करूँ, वो करते रहो पर आगे तो बढ़ो। जो वेराइटी महंगी बिकती है क्यों नहीं कर रहे हम? वेराइटी जो उपलब्ध नहीं होगा ये कराएंगे, उपलब्ध नहीं कराएंगे तो मैं बैठा बोल रहे हैं ना मुंह पे, जिसका भी बीज कहोगे वो उपलब्ध होगा।